हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 141 का भाई नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा, बिल्कुल अभी कुछ पता नहीं चल रहा भाई राम जी और लक्ष्मण जी का। और इधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो भाई रावण है वो सबको यही बता रहा है कि भाई चले गए हैं राम और लक्ष्मण जी। लेकिन देखो आगे भाई, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। लंकेश ने विजय प्राप्त कर ली है महारानी। संसार की कोई भी सेना बिना राजा के युद्ध नहीं कर सकती। वानर सेना कब तक राम की प्रतीक्षा करेगी? कब तक? सूर्यास्त होने तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को अदृश्य तो नहीं कर दिया? ये अधर्म है स्वामी, अधर्म है। महारानी, हम राक्षस है, राक्षस। छल राक्षस जाति का अस्त्र है। प्रेम और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी अधर्म नहीं है महारानी। फिर यहां तो विजय श्री के साथ साथ सुंदर नारी सीता भी मिल रही है। और अभी तक भी नहीं उठे। ओ ये इनका राजा तो नहीं है वो? नहीं, अभी देखे भाई। आज्ञा महाराज। मकर ध्वज स्मरण रहे, पताल के मुख्य द्वार की सुरक्षा का दायित्व केवल तुम्हारे ऊपर है, केवल तुम्हारे ऊपर। मकर ध्वज अकेला पूरी सृष्टि पर भारी है महाराज। पहले तो द्वार को लांघ कर आना संभव नहीं है, और तुम्हारे जैसे परमवीर को जीतकर इस पाताल नगरी में पहुंचना शायद ही किसी के बस में हो। इस मकर ध्वज के होते हुए किसमें इतना साहस है जो एक पग भी अंदर रख सके? और किसी ने दुस्साहस किया तो हमें उसका विनाश चाहिए। विनाश मकर ध्वज तो स्मरण रहे। जो आज्ञा महाराज। और ये तो ये बड़ा बात। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? रात्रि में शिविर के पास कोई नहीं आया, और ना ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया शिविर से बाहर आए हैं। जब मैं शिविर की रक्षा कर रहा था तब मैं पूरी तरह से सतर्क और सचेत था, सो नहीं रहा था मैं। परंतु हनुमान, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं। दो बंदों को मिले थे, दो वानर को मिले थे शायद, वो और नहीं, वो शिविर के बाहर आए, अतः वो गए कहां? महाराज विभीषण, दो ही मार्ग हो सकते हैं, आकाश मार्ग या धरती मार्ग। आकाश मार्ग से ना तो वो गए हैं और ना ही कोई उन्हें ले जा सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पूंछ से शिविर की छत को पूरी तरह से घेर रखा था, और कोई भी मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पूंछ को हिला तक नहीं सकता। शिविर के बाहर का कोना कोना हमने दूर दूर तक जांच लिया है, धरती पर हमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जो धरती के अंदर जाने का द्योतक। हमें एक बार फिर शिविर के भीतर की धरती का निरीक्षण करना होगा। ये अच्छा आइडिया, कुछ ना कुछ तो भाई सबूत छोड़ कर कोई ना कोई तो होगा। नले महादेव, अंगद उधर जाओ। Oh.
हो? महाराज सुग्रीव, ये तो निश्चित हो गया है कि इस शिविर में अवश्य कोई आया था जिसने प्रभु श्री राम और स्वामित्र को मूर्छित करने वाली इस विषैली औषधि का प्रयोग किया है। और ये भी निश्चित हो गया है कि वो यही कहीं भूमि से मार्ग बनाकर अंदर आया है। आप सभी ध्यान पूर्वक ढूंढें, वो स्थान हमें अवश्य मिलेगा। जाइए, आप सभी ढूंढिए। अंगद जाओ वहां ढूंढो। देखो वहां क्या है। चिंता भी दूर हो जाएगी, पर विचार क्या है? और सीता भी रावण की हो जाएगी, परंतु विचार क्या है? अरे रावण, हम इन दोनों भाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं, मछलियां और मगरमच्छ ने खा जाएंगे और ये सदा के लिए लुप्त हो जाएंगे। कैसा स्टेप? परंतु राक्षस देवता को दी जाने वाली बलि उसका क्या होगा? हाँ, यदि हम देवता को प्रसन्न नहीं करेंगे तो देवता हमें प्रसन्न नहीं करेंगे। इनकी तो बलि दी जानी चाहिए। कोई भी संकट मेरे प्रभु को संकट में नहीं डाल सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम संकट विमोचन है। फिर भी वीर हनुमान, संभव है भ्राता श्री रावण ने कोई कुटिल चाल चली हो। हमें जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझ कर करना, जल्दी करना। कर्तव्य होगा प्रभु श्री राम और सौमित्र के प्राणों की रक्षा करना। रक्षा तभी होगी महाराज विभीषण, जब हमें पता चलेगा कि प्रभु श्री राम है कहां। वही तो, हमें कोई भी कार्य करते शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। महाराज सुग्रीव, ये अवश्य ही उस दुष्ट रावण का काम है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राज्य में जाकर उसे अभी मृत्यु दे देता हूं। जामुन जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, रावण की मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, और उसके वध का श्रेय प्रभु श्री राम को ही मिलेगा। परंतु इस समय हमारा लक्ष्य रावण की मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम और सौमित्र को ढूंढ निकालना है, क्योंकि हो सकता है उनके प्राण संकट में। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम भी इसी चीज़ को देख रहे हैं कि भाई वो एक नई से नई जो उन्होंने वो दीवार है ना भाई, जो बनी हुई है, वो जिसको कोई चीज़ लगाते हैं तो वो तभी खुलती है। वो भाई एक तो बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि वो ऐसे तो भाई खुलेगी नहीं,
लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई उनकी एक दीवार के आगे वो एक जो खड़ा हुआ था भाई, हमने तो पहले सोचा कि भाई ये एक सेना का कोई बंदा आ गया जो भाई इनसे राम जी और लक्ष्मण जी को बचा लेगा। लेकिन भाई जब उसने बोला कि मेरे पास इतनी पावर है कोई मुकाबले नहीं कर सकता, तब हम भी भाई डरे थे ये भाई इनका ही बंदा है। तो देख ले कि भाई उसके पास भी इतनी पावर होगी और उसके बाद ये दीवारें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किल। सबसे जो एक मुश्किल काम लग रहा था ना वो था कि मतलब कि सुराग आप कैसे मिलेगा मैं, क्योंकि वो तो भाई एक ज़मीन के अंदर चले गए, मेन बात ये थी कि कोई सुराग मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये कम से कम शुक्र है कि भाई सुराग मिल गया और गए वो ज़मीन के नीचे हैं। अब मतलब कि प्लानिंग होगी, क्योंकि विभीषण जी भाई काफ़ी बुद्धिमान भी हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब के एक छात्र दिमाग से अपना प्लानिंग की है और उन्होंने भाई सुराग मिल भी गया। क्योंकि अब ऐसे भटकते रहते हैं, एक रावण तो चाहता था कि मुझ पर ये मतलब के आक्रमण पहले करें, कुछ मतलब के सेना इनकी कमज़ोर करूं, लेकिन वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था, लेंगे भी नहीं, क्योंकि इधर जामुत काका भी हैं और काफ़ी मतलब के वो एक समझाएंगे इनको। अब मेन जो इनकी चीज़ है ना टारगेट, वो यही है कि राम जी और लक्ष्मण जी को वापस लाना है और उनका पता करना है कि वो भाई किधर वो लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनका पीछा भी करना है और उनको ढूंढना भी है, या वो एक अगला स्टेप है। लेकिन यहाँ पे अभी इनके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रावण, क्योंकि आप जहरी बात है उनकी उधर नगरी में बैठे हुए हैं और लीड करने वाला भी फिल वक्त देखा जाए तो कोई नहीं, शक्तिशाली है, ताकत है, हनुमान जी हैं, वो ठीक है, सब कुछ है। लेकिन ये कि आगे स्टेप किसी ना किसी को तो लेना है ना, जिन्होंने जाके मतलब पीछे जाना है ढूंढने के लिए, जिस तरह उनको एक इशारा मिला है, जिस तरह ज़मीन के अंदर उनको एक खाई नज़र आई है, तो ज़ाहिर बात है आप देखो किसी ना किसी को तो, बाकी पीछे वालों के लिए मसला क्रिएट हो सकता है देखो। लेकिन फिर भी भाई चलो ये तो इस चीज़ पीछे वालों का भी इतना, एक रावण भी मतलब के जल्दी अटैक नहीं करेगा उधर, क्योंकि वो भी समझता है कि आगे से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उनका भाई मेन टारगेट ही यही है राम जी और लक्ष्मण जी उनको, क्योंकि वो जैसे मूर्ख बातें कर रहे हैं कि इधर समंदर में फेंक दें, ऐसे कोई भी वो स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी भाई वो अपने मतलब के होशोवास में नहीं आए राम जी और लक्ष्मण जी, पता नहीं उन्होंने कौन सी उनको मतलब के चीज़ दी है, इसी वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है। क्योंकि अब इधर भी सबको पता चल गया है, हनुमान जी तो भाई काफ़ी गुस्से में भी आए, क्रोध भी उनको आया कि मैं अभी जाकर एक रावण का मतलब के उनको मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन वो काम हनुमान जी नहीं करेंगे। नहीं नहीं हनुमान जी अभी नहीं ना करेंगे, क्योंकि जामत जी हैं, उन्होंने समझाया कि अभी थोड़ा बहुत वेट करना होगा हमें, क्योंकि सबसे पहले तो पहली बात यह कि पता चलना चाहिए कि वो है कहाँ, तो उसके बाद ही हम उनकी सुरक्षा करेंगे और उनको भाई बचाएंगे। लेकिन ये कि अब देखते हैं मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।